हम किसी दूसरे मार्च को क्रॉस करने के हमारा इरादा नहीं है, और मैं नहीं समझता हूं कि हमें कोई ऐसे थ्रेट है इन सियासी यतीमों का टोला जो इकट्ठा किया गया है सिंध में। और मैं तो हैरान हूं कि किस बात पे वो एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिंध के हक के लिए निकले हैं, कि सिंध के हक पे डाका कौन मारा है, सिंध का गैस पे डाका किसने मारा, पानी के हक पे किसने मारा। वो अवाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमने बिजली महंगा किया, गैस महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, चीनी महंगा किया, आए हमारे साथ उस घोटी का शहर जहां से वो आज शुरू कर रहे हैं, उनका मार्च का इब्तदा हो रहा है यूरिया क्राइसिस को दौरान, उनके दो वफाकी वजीर घोटकी का यूरिया स्टॉक पे डाका मार के उनका यूरिया चोरी किया, उनका अपना फसल तबाह हुआ, उनके साथ साथ एक ऐसा वजीर फिर रहा है जो सिंध का आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश या साजिश कर रहा था। इतने पढ़ाई से गड़ गड़ स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी ग्रूम करने से भी काफ़ी फोकस किया वो है, इतना जहाँ टीचर्स जाम इनकरेजिंग हूँ। अगर तुम भी कामयाबी हासिल करना चाहो एक रोशन मुस्तकबिल की तलाश में आयो तो अज इकरा यूनिवर्सिटी में दाखिल वो। मैं समझता हूँ कि सिंध के अवाम खुद उनको जवाब देंगे, वो अब इस तमाशा में यकीन नहीं करेंगे। और मैं जानता हूँ कि आप जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, आप इंसाफ करेंगे और सच दिखाएंगे कि किसके साथ अवाम है और किसको क्या रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले मैं तो यकीन रखता हूँ पुलिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, सारे इदारे पे कि वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई क्लैश हो, और हमारा पूरा कोशिश होगा, हम अपने रूट पे कायम रहेंगे, कहीं चेंज नहीं करेंगे, तो कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो ये जो कार्टून्स हैं इसे डरते भी नहीं हैं, और अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं जिन्होंने बम धमाके के सामने किए, गोली का सामना किया, तशद्दुद का सामना किया, मेरे साथ चल रहे होंगे, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पे यकीन रखता हूँ कि मेरे तहफ़ भी करेगा, और किसी पीटीआई का या जो भी सियासी टीमों का टोला का सर्कस निकला हुआ है वो अपना काम करते रहेंगे। हमारा मकसद बड़ा है, हम पाकिस्तान को ये सारे मसाइल जो इनकी वजह से पाकिस्तान में खेले गए हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के अवाम में ये मौका देंगे कि हम कायदे अवाम और शहीद बीबी का पाकिस्तान बनाएं।